नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे HSSC एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखिए, आप सभी काफ़ी समय से इंतज़ार करें हरियाणा के सभी एग्ज़ाम का, चाहे मैं हरियाणा पुलिस की बात करूँ, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी और पटवारी। तो अब कुछ एक ऐसे सबूत और ऐसे प्रूफ हाथ लगे हैं जिससे ये अंदेशा अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भी आपके जो एग्ज़ाम है वो फरवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी से आपकी इनकी शुरुआत हो सकती है। कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं अंडर सेक्रेटरी के या सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट के DCs को जो है यहाँ पर लेटर लिखा है और पूछा गया है कि भाई इस डेट को, इस दिनांक को कितनी आप जो है यहाँ पर अवेबिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं, कितनी सीटें आप हमें दे सकते हैं। एक तो सबूत ये निकल कर सामने आ रहा, दूसरा दोस्तों ई टेंडर नोटिस की जो लास्ट डेट है ना, वो दोस्तों अभी 4 फरवरी लास्ट डेट है। तो 4 फरवरी से लेकर और लास्ट वीक ऑफ फेब तक काफ़ी 15 से 20 दिन का टाइम HSSC के पास बचता है सभी तैयारियों को लेकर। तो प्रूफ भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ बात करेंगे संभावनाओं को लेकर, क्योंकि ऐसे लेटर पहले भी कई बार जारी होते रहे हैं और जो वो डेट उसमें दिखाई जाती है उस डेट को कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो पॉजिटिव के बारे में भी बात करेंगे, सच्चाई के बारे में भी बात करेंगे और कैसा क्या इसमें हो सकता है, आप तैयारी किस प्रकार से करें, कितनी करें और क्या तैयारी इस हिसाब से बढ़ानी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो भाई चैनल पर नए आए हैं, रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, स्टीक अपडेट पाना चाहते हैं, सबसे पहले वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। देखिए, HSSC ऑल एग्ज़ाम डेट कंफर्म, HSSC के सभी एग्ज़ाम की शुरुआत होगी फरवरी में, सबूत आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक जो लेटर है वो जारी किया गया है, मैं बता रहा हूँ, सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा और सभी ये डिस्ट्रिक्ट्स में हेड डिविजनल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ये भेज दिया गया। इसमें कन्फर्मेशन ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 2020। तो दोस्तों, इसमें जो है सभी जो डिविजनल हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उनको लेटर लिखकर और पूछा गया है कि भाई आपके जो स्कूल्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें कितनी जो सीटें आप अवेलेबल करा सकते हैं और कितने एग्जामिनेशन सेंटर आप वहां पर अवेलेबल करा सकते हैं। 21 फरवरी को अगर एग्ज़ाम हो फ्राइडे को, 22 फरवरी को अगर एग्ज़ाम हो सैटरडे है, और 23 फरवरी को अगर एग्ज़ाम हो संडे है, और उसके बाद 29 फरवरी को एग्ज़ाम हो आपका संडे है इन दी मंथ ऑफ फरवरी, सैटरडे एंड संडे इन मंथ ऑफ मार्च, एंड उसके बाद दोस्तों बात कर रहे हैं ये अप्रैल और मई के महीने तक लगातार यहाँ पर ये चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई फरवरी के बारे में भी अगर पूछा गया तो फरवरी को भी एग्ज़ाम हो। आगे हम नोटिस पढ़ लेते हैं। द टेंटेटिव सेंट्रल लिस्ट अलॉन्ग विद कैपेसिटी ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रिटर्न एग्जामिनेशन इज अटैच्ड हेयर विद। In view of this, you are requested to confirm the availability of staff and seating arrangement of the institution or school, degree college, polytechnic, engineering, dental, nursing, and government or private college situated in your district headquarters as well as such. जो भी यहाँ पर साथ में जो है लिस्ट दोस्तों अटैच की गई है सभी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज की और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल एंड नर्सिंग, गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल, तो उसके अंदर आप कितनी सीटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल करा सकते हैं और कौन कौन से सेंटर यहाँ पर जो है कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भी हम अपना सेंटर एग्ज़ाम डेट के लिए दे सकते हैं। 21 फरवरी की बात हो रही है, 22 फरवरी की, 23 फरवरी की, 29 फरवरी की, उसके बाद एवरी सैटरडे एंड संडे, मार्च, अप्रैल और मई, यहाँ तक इसमें बात की जा रही है। तो दोस्तों, ये तो आपको जो प्रूफ दिखा रहा था कि ये प्रूफ आए हुए हैं, इन डेट को आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, बात इनकी होगी। लेकिन अब अगर बात करें, पिछले 2 से 3 साल से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, इस प्रकार के लेटर हर बार जारी होते हैं जब आपकी एग्ज़ाम डेट आती है। तो ऐसा नहीं है कि भी इन डेट को एग्ज़ाम नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन 21, 22 और 23 फरवरी की अगर मैं बात करूँ या फरवरी महीने की बात करूँ, मैं इनमें एग्ज़ाम होना मुश्किल है, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट तैयार करने में और भेजने में ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिविजनल हेडक्वार्टर ये भी टाइम लेते हैं और इतना आसान जो है अरेंजमेंट करना नहीं होता है। अभी टेंडर निकाले गए हैं, CCTV और बायोमेट्रिक अटेंडेंस और CCTV अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन पेपर बनाने में टाइम लगता है, रोल नंबर सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि भाई आपके एग्ज़ाम में लास्ट वीक ऑफ फेब में अगर किसी कारणवश नहीं भी हो पाते तो मार्च के लिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल
तेज़ कर दीजिए। मैं तो कहूँगा 21 फरवरी के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो यही थोड़ा सा प्रूफ है, जो आपका टेंडर नोटिस आया था उसको लेकर दिन में वीडियो बना दी थी। अब ये जो लेटर आज ही जारी हुआ है 16 जनवरी 2020 को, जिसको लेकर ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन सटीक है, सही है। तो फिर मैं पहले भी मैंने दिन में जो वीडियो बनाई थी, लेटर आने से पहले ही मैंने बोला था अगर फरवरी में एग्ज़ाम होंगे तो लास्ट वीक में होंगे या फिर मार्च में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।